हेलो फ्रेंड्स, यह है आईपी रिकी आधा लीटर की वैक्यूम थर्मो एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील डबल वाट इंसुलेटेड ये वाटर बॉटल है। इसमें एलईडी टेम्परेचर डिस्प्ले है। चलिए करते हैं इस वैक्यूम सील वाटर बॉटल को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये वाटर बॉटल लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आईपी रिकी एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बॉटल आती है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। आगे की साइड को बॉटल कैसे दिखती है दिखाया गया है। ये एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बॉटल है, कैपेसिटी है 480 मिलीलीटर्स की। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरी समझ से तो बाहर है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। यहाँ पर एक स्टिकर है जिसमें आईपी री लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स बताए गए हैं। अब ये तो समझ से पूरा बाहर है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये वाटर बॉटल आती है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है वाटर बॉटल और कुछ नहीं। ये है आईपी री की वैक्यूम सील्ड एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बॉटल। यहाँ पर एक डिस्प्ले है जो कि टेम्परेचर को बताता है। ये एलईडी डिस्प्ले है, सेल्सियस में बता रहा है। ये इसका कैप हो गया, ये इसकी बॉडी होगी। अराउंड 23 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ये बॉटल चार कलर ऑप्शंस में मिलती है, ब्लैक, रेड, गोल्ड और वाइट। आप यहाँ पर वाइट मेरे हाथ में देख सकते हो। ऊपर की साइड को डिस्प्ले है। चलिए कैप को खोलते हैं। तो यहाँ पर सील्ड कैप है, साथ में एक छन्नी भी है। अगर कुछ आप फिल्टर करना चाहते हो, जैसे कि चाय डाल रखी है और आप चाहते हो कि पत्ती ना आए, तो आप इस छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। SUS 304 स्टील से ये वाटर बॉटल बनी हुई है। एक सिलिका जेल भी है अंदर की साइड को, और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो SUS 304 प्योर स्टेनलेस स्टील की ये वाटर बॉटल है। अराउंड 480 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी है। कार्बन कोटेड है, इसमें जो बाहर की साइड को स्टील है और अंदर की साइड को स्टील है उसके बीच में एक वैक्यूम की लेयर है। साथ में कुछ कॉपर भी दिया गया है ताकि हीट को अच्छे से ये मेंटेन रख पाए, या फिर अगर ठंडा रख रखा आपने तो ठंडा अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलिए दोस्तों एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें पानी डालते हैं। मैंने कैटल में पानी गर्म कर लिया है। इस समय एम्बिएंट का टेम्परेचर है अराउंड 22। चलिए देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना है। तो पानी का टेम्परेचर है इस समय 94.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं कि ये जो कैप है ये कितना बताती है। तो सबसे पहले तो मैं इस छन्नी को डाल देता हूँ, हालांकि ना ही डाला जाए तो बेटर रहेगा। कैप को लगा दिया है, चलिए देखते हैं। तो इस समय 24 दिखा रही है क्योंकि अभी पानी ऊपर सेंसर तक नहीं पहुंचा है। जो इसका इंटरनल सेंसर है वो 97 बता रहा है, जबकि मेरा थर्मोकपल अराउंड 95, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं कि इस वाटर बॉटल से हीट कैसे लिबरेट हो रही है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने फ्लिर के इस थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल करूँगा। तो इस समय बॉटल की सरफेस पर टेम्परेचर है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। कैप की बात करें तो कैप पर टेम्परेचर है अराउंड 39। इंटरफेस पर टेम्परेचर है अराउंड 43। तो डेफिनेटली इसकी जो बॉडी है वो हीट को रेडिएट कर रही है। अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। और कॉपर जो बताया जा रहा है, आई थिंक ऐसा कुछ मुझे दिखा तो नहीं। चलिए देखते हैं कि कितने समय के बाद ये जो बॉटल है ये पानी को ठंडा करती है। टाइम को मॉनिटर करने के लिए एक स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता हूँ। 1 घंटा हो गया है, आइए अब टेम्परेचर को देखते हैं। 81 दिखा रहा है बॉटल का सेंसर, अब 83 हो गया है। चलिए थर्मोकपल से देखते हैं। थर्मोकपल दिखा रही है 75.7, हल्का सा डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 घंटे हो गए हैं, आइए अब देखते हैं टेम्परेचर कितना है। बॉटल पर टेम्परेचर बता रहा है 64 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं थर्मोकपल क्या बताती है। थर्मोकपल बता रही है 60.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए कुछ और समय के बाद देखते हैं।
7.5 घंटे हो गए हैं, चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर कितना दिखाता है। डिस्प्ले पर 37 है। चलिए थर्मोकपल से देखते हैं, तो थर्मोकपल बता रहा है अराउंड 41.7 डिग्री सेल्सियस, तो पानी अभी भी काफ़ी गर्म है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक ऑफिस शिफ्ट के लिए 8 घंटे की ड्यूटी के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। ऑल्दो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि मेरी मिल्टन की बोतल थी, बट ये अराउंड 8 घंटे तक पानी को गर्म रख सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ठंडे की, क्योंकि अभी एम्बिएंट का ही टेम्परेचर काफ़ी कम है, अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सही समय नहीं है ठंडे पानी को टेस्ट करने का या फिर ठंडी ड्रिंक्स को टेस्ट करने का। तो अभी तक ले दोस्तों यही है कि गर्म पानी को ये लगभग 8 घंटे तक गर्म बनाए रखती है। मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 97 से और अभी मुझे मिल रहा है अराउंड 36 या फिर कहा जाए 42, तो काफ़ी बढ़िया ये बोतल है। और सबसे अच्छी बात, इसमें टेम्परेचर मैं डायरेक्टली रीड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो आई थिंक इसके अंदर कोई लिथियम बैटरी होगी। अब कैसे उसको रिप्लेस करना है मुझे तो कोई ऑप्शन दिखी नहीं। दोस्तों ये रही आईपी रील की वैक्यूम सील्ड एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बोतल। मैं तो दोस्तों इस बोतल को काफ़ी बढ़िया कहूँगा, बाकी आप कॉमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये बोतल कैसे लगी। अगर आप इस बोतल को लेना चाहते हो, उसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस बोतल को परचेज कर सकते हो। मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ कि आईपी रिकी ये वैक्यूम सील्ड एलईडी डिस्प्ले वाली वाटर बोतल लेने लायक बोतल है, मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार।